दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन सैटरडे का और आज डेट है 20 जनवरी 2024। और दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 7:42 हो चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, 7:42 हो गए हैं रात के और मैं पहुंच गया हूँ घर के पास। मधुविहार के रेड लाइट पे ही हूँ और जा रहा हूँ घर और आ रहा हूँ अभी खाली। खाली कहाँ से आ रहा हूँ, दोस्तों एरो सिटी से। लास्ट स्टॉप हुआ था एरो सिटी में ही, तो एरो सिटी के बाद सोचा था राइड मिल जाएगी। गो होम की डेस्टिनेशन डाली हुई थी, अभी अभी जस्ट मैंने बंद किया गो होम डेस्टिनेशन, तो कोई भी ट्रिप नहीं थी। एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की तरफ भी गया, वहाँ भी कोई नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा आज सैटरडे का दिन होता है। दोस्तों सैटरडे और संडे थोड़ा सा काम हल्का रहता है, आपका जो ऑल ओवर में काम रहता है वीकडेज पे ही ज़्यादा रहता है। सबसे ज़्यादा काम दोस्तों आप लोग जानना चाहते होंगे, सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा बिजी डे सबसे हमारा कौन सा जाता है, तो वो मैं बता देता हूँ। दोस्तों हमारा मंडे और फ्राइडे, ये दो दिन ऐसे हैं जहाँ पर आपका मंडे और फ्राइडे ये दोनों दिन दोस्तों बिजी शेड्यूल है, क्योंकि मंडे सभी को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, अपने ऑफिस पहुंचना होता है टाइम से। और फ्राइडे क्या है कि फ्राइडे सब लोग अपना एक साथ निकलते हैं, पार्टी वार्टी करके निकलते हैं, तो अपना सर्च भी मतलब अच्छे रेटों की बुकिंग्स आपको फ्राइडे को भी देखने को मिलती है। हालांकि ट्रैफिक भी आपको सबसे ज़्यादा मंडे और फ्राइडे में ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा दोस्तों। तो जो ओला उबर में गाड़ी चलाते हैं या फिर अभी चला रहे हैं, तो अभी सीख रहे हैं जानना क्या क्या होता है, तो आपको मेरी वीडियोस के माध्यम से आपको छोटी छोटी जानकारी मैं इस वीडियो में लेकर आता ही हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आज मॉर्निंग में निकला था, करीब मैं जल्दी निकला था और जल्दी निकल के सोचा था जल्दी काम करूँगा, बट नहीं हो पाया जल्दी, इतना भी जल्दी नहीं था, बट 7:15 तक मैं निकल गया था घर से। और मतलब पहली ट्रिप मेरे को सीधा आ गई थी करोल बाग साइड की, तो करोल बाग से काम स्टार्ट किया था, मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ था काम, करोल बाग पे पहला ड्रॉप हुआ था, उसके बाद फिर छोटा मोटा आज मतलब वेट भी किया काफ़ी देर तक, बुकिंग्स भी नहीं आई कुछ कुछ लोकेशन पे। आज काम पूरे दिन दोस्तों स्लो ही था, स्लो होने का रीज़न यही था कि मतलब सैटरडे संडे सब लोग का ऑफ रहता है, तो सब लोगों का काम जो होता है मोस्टली सैटरडे को जो निकलता है वो 12 बजे के बाद से ही स्टार्ट होता है, तो उस हिसाब से फिर ट्रैफिक भी सैटरडे संडे को काफ़ी हमें देखने को मिलता है। वो इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि सबकी छुट्टी होती है, सब लोग अपने व्हीकल से निकलते हैं, तो रोड पे व्हीकल्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से जाम है। तो आजकल आप अभी देख ही रहे होंगे, आज है 20 जनवरी, तो कल नहीं परसों पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। और दिवाली किस लिए मनाई जाएगी वो तो मेरे ख्याल से सभी भाइयों को पता है कि हमारे रामलला जी का वहाँ पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का स्थापना हो रही है, तो वहीं पर मतलब सभी मेरे ख्याल से तो उस दिन सबसे बड़ी दिवाली होगी हम लोगों की, तो इसलिए बहुत ही उत्साहित हैं इस फेस्टिवल को मनाने के लिए। मुझे लगता है हर साल हम इस तारीख को दूसरी दिवाली एक तरीके से ये समझ लीजिए कि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद ये मौका मिला है हम लोगों को देखने का। तो अभी पूरे मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में ही सब लोग उत्साहित हैं और हर जगह आपने देखे होंगे क्रॉसिंग पे भी, दिल्ली के हर क्रॉसिंग पे झंडे वगैरह भी मिल रहे हैं, जय श्री राम के झंडे, और काफ़ी गाड़ी वालों ने तो लगा भी रखे हैं, तो मैं भी देखता हूँ मिलेगा तो मैं भी लगाऊंगा, कोशिश करूँगा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों मतलब अयोध्या में, और इस टाइम तो अयोध्या जाना देखिए बहुत ज़्यादा पब्लिक होगी उस लोकेशन पे, तो फिलहाल तो हम टीवी वगैरह में देखेंगे, बाकी अपना परसों एंजॉय करेंगे। परसों कैसे देखने का एक अलग ही वो होगा, देखने का नज़रिया, और दूसरी दिवाली हम सबसे बड़ी दिवाली आप ये समझ लीजिए कि हम मनाएंगे। तो दोस्तों ये तो रही बात, आजकल देखिए 2-3 दिन अभी ट्रैफिक भी रहेगा, 3-4 दिन ट्रैफिक होने का रीज़न एक तो ये है रामलला का ये है कल परसों का, और उसके बाद 2-3 दिन ट्रैफिक रहेगा रिपब्लिक डे का। रिपब्लिक डे की जो भी दोस्तों जो भी भाई जा रहे हैं इंडिया गेट साइड के रूट्स आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, रूट्स अवॉइड करना उस तरफ, क्योंकि अब सिक्योरिटी भी टाइट हो गई है और फिर वहां पर रिहर्सल भी चल रहा है, तो जिसकी वजह से कुछ रूट्स डाइवर्ट होंगे, इफेक्ट करेंगे रिंग रोड पे, तो आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा। तो यहाँ इस रूट पे अगर आप चल रहे हैं तो इस रूट पे थोड़ा सा अवॉइड करना है। ये मैं सिर्फ दिल्ली एनसीआर के ड्राइवर के लिए बोल रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर के भी हैं और जो बाहर स्टेट से भी आते हैं, सपोज पंजाब से आते हैं या राजस्थान से आते हैं या फिर इधर यूपी साइड से आते हैं, तो उनके लिए भी ये जान लेना जरूरी है कि दिल्ली के रूट्स कौन कौन से वादे रहेंगे रिपब्लिक डे के उसमें।
तो दोस्तों आज चलिए, ये तो बात रही ट्रैफिक की, और आज हम बात कर लेते हैं ओला उबर के बारे में ही, और मोस्टली मैं उबर के बारे में ही कुछ ना कुछ अपडेट लेकर आता हूँ दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे उबर के बारे में ही, और उबर में एक जानकारी मैं दे दूँ दोस्तों, उबर की आजकल थोड़ा सा मैंने जैसे कि पहले भी कुछ वीडियो में बताया था कि उबर के फेयर में कुछ गड़बड़ चल रही है कि उबर का बिल जो दिखा रहा है वो दिखाने के बावजूद एकदम से 50-100 रुपये हमें नीचे शो हो रहा है। तो नीचे क्यों शो हो रहा है दोस्तों? शो इसलिए हो रहा है कि कई बार हम जो राइड लेते हैं उसमें राइडर ने ऐड स्टॉप का ऑप्शन डाला होता है, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि हमें पहले जब हम ऐड कराते थे तो हम ऐड कराने के पैसे हमें बढ़ते थे, बट अब देखने को मिल रहा है दोस्तों अब ऐड लोकेशन अगर कर देते हैं ना कस्टमर तो उसके पैसे भी नहीं बढ़ते और आपके पैसे माइनस हो जाते हैं। और ऑप्शन में क्या दिखता है? ऑप्शन में दिखाई देता है कि कस्टमर ने पहले से ही उसको रिमूव कर दिया है स्टॉक को, इसलिए आपका फेयर जो अप फ्रंट फेयर दिखाया गया था वो आपका कम हो रहा है। तो आप भी दोस्तों इस चीज से थोड़ा सा सतर्क रहिए, अगर आपके पास ऐड स्टॉप की बुकिंग आती है तो मोस्टली देखिए मैं अपनी तरफ से बता दूं, मैं तो अवॉइड कर रहा हूं ऐड स्टॉप वाली राइड, क्योंकि ऐड स्टॉप वाली राइड में आपका टाइम भी ज्यादा लगता है, कोई ज्यादा बचत नहीं हो पाती। हाँ, कस्टमर के लिए फायदा हो जाता है, कस्टमर को सेम प्राइस में उसको दो दो डेस्टिनेशन में जाने का मौका मिल जाता है। अब हम दो डेस्टिनेशन क्यों जाएं, हमें फेयर जब नहीं दिया जा रहा तो हम क्यों जाएं दो डेस्टिनेशन पे? तो मैं तो इसी वजह से अवॉइड कर देता हूं। बाकी जो भी भाई कर रहा है ऐड स्टॉप की बुकिंग, उसमें दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिए क्योंकि इस तरीके की गड़बड़ हो रही है। मेरे एक मित्र हैं रोहिणी, सेक्टर 17 में रहते हैं, तो उनके साथ तो कई बार हो गया है, वो खुद परेशान हो चुके हैं। अब उन्होंने भी सोच लिया है कि भैया ऐड स्टॉप वाली बुकिंग शो करना ही नहीं है क्योंकि इसमें ये गड़बड़ी हो रही है उबर की। तो इस चीज को मतलब ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आप ध्यान रखना जब भी आपके यहाँ, देखिए सबसे पहले तो आपके यहाँ कोई लंबी ट्रिप आती है तो उसमें चेक कर लीजिए ऐड स्टॉप हो रखा है कि नहीं हो रखा है, तो और फेयर कितना दिखा रहा है ये भी चेक कर लीजिए। और फेयर में गड़बड़ यही हो रही है कि मतलब ऐड स्टॉप तो डला रहता है, ऐड स्टॉप की आप मतलब ड्रॉप भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन मतलब देखने को यही मिलता है कि आपने ऐड स्टॉप जो राइडर है उसने हटा दिया था, इसकी वजह से आपका फेयर कम बन गया। तो जो फेयर दिखा रहा है फ्रंट फेयर वो नहीं दिया जा रहा ड्राइवर को। और अभी कल की वीडियो आपने देख ही ली होगी, कल मैंने बताया था कि अब जो उबर की जो कैंसिलेशन पॉलिसी है वो शायद आने वाले टाइम में चेंज करे, क्योंकि पूरा का पूरा कॉपी किया जा रहा है इन ड्राइव के सॉफ्टवेयर को, और जितने भी उसके फीचर्स हैं वो अपने में कन्वर्ट कर रहा है। तो इन ड्राइव तो वैसे ही अब चलाते भी हो तो कम है, हम लोग तो अवॉइड ही कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के ड्राइवर आप नहीं चला रहे, बहुत ही कम। देखिए इन ड्राइव चला कौन रहा है? इन ड्राइव में एक्चुअली मैं बता दूं, इन ड्राइव वो चला रहे हैं जो कॉल सेंटर की गाड़ी हैं, काली बिली टैक्सी वाले हैं, ठीक है, और जिनकी आइडिया ओला उबर से ब्लैकलिस्ट है वो ज़्यादा चला रहे हैं दोस्तों इन ड्राइव, वरना अदरवाइज कोई और ड्राइवर जो ओला उबर चल रहा है वो ज़्यादातर रैपिडो चला रहा है। रैपिडो में क्या है कि रैपिडो में बेनिफिट हो रहा है, रैपिडो में कमीशन नहीं चार्ज किया जा रहा, हालांकि थोड़े टाइम तक है, थोड़े टाइम बाद देखिए ये भी देखिए कोई अगर बैठा है तो मार्केट में भाई उसको भी ऑफिस का खर्चा निकालना है, एम्प्लॉयज का भी निकालना है, हालांकि उसकी मार्केट ऑलरेडी बनी हुई है क्योंकि वो बाइक से चार्ज ले रहा है, बाइक की मार्केट बनी हुई है, बाइक से कमीशन आ रहा है उसको भरपूर। तो अभी कैब में भी वो मेरे ख्याल से 6 महीने तक आपको देगा मतलब 0 कमीशन पे, उसके बाद फिर अपना धीरे धीरे बढ़ाएगा कमीशन। तो दोस्तों इसीलिए मतलब ओला उबर में मतलब इन ड्राइव में तो काफ़ी कम ड्राइवर ही चला रहे हैं, ज़्यादातर मैं भी चलाता हूँ तो रैपिडो में ही चलाता हूँ या फिर ओला में आती नहीं है। ओला में एक्चुअली क्या है कि ओला बिल्कुल बैठ चुका है और कुछ भी पता नहीं लग रहा ओला में। ओला में एक चीज़ है दोस्तों, आप अगर आप 2-3 बुकिंग कर लोगे ना तो आपको कंटिन्यू देने लगे। अब मैं बुकिंग करता नहीं तो मेरे पास बिल्कुल भी बुकिंग नहीं आती है, कोशिश करता हूँ ऑन करने की, बट जब से इसने टोल देना बंद किया ना, मेन रीज़न वही है दोस्तों मेरा कि भाई टोल हमें चाहिए चाहिए, क्योंकि टोल हमारा लगता है तो हमें चाहिए, और कंपनी भी दे रही है, उबर भी दे रही है, तो इसलिए हमें देना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप समझ गए होंगे और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे उबर की जो हेड स्टॉप की ट्रिप्स है उसमें थोड़ा सा लोचा चल रहा है, तो उसको चेक करिए, और अगर ऐसा कुछ होता है कम फेयर मिलता है तो आप कंप्लेंट करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपफ्रंट फेयर की,
जो कि जो दिखा रहा है वो आपको मिलना चाहिए 5% कमीशन काट के। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है। ज़्यादा कोई खास नहीं हुआ दोस्तों, बस कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1900 कुछ रुपये का मेरा काम है, और इसमें मेरे को 2 टोल मिले हैं, एक मतलब एक हरियाणा का मिला है और एक वापसी का MCD टोल मिला है। तो 200 रुपये का टोल है, 2100 रुपये काम है, तो 200 रुपये साइड में रखते हैं, 1900 में बात कर लेते हैं। 1900 में CNG कितनी डलवाई, CNG सिर्फ एक ही बार डलवाई थी 438 रुपये की, और 438 में आधी पहले की थी मेरे पास, मतलब 700 रुपये तक की CNG थी। तो 700 में मेरी CNG जो लगी है वो 200-250 रुपये की मेरे पास पड़ी हुई है, तो तकरीबन 450 रुपये तक की CNG मेरी पूरी कंज्यूम हो गई है। तो 400 रुपये मान के चल लीजिए, 1900 में 400 निकाल लेंगे तो बचेंगे 1500 रुपये। 1500 रुपये में से निकालेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, और 100 रुपये का पेट्रोल दोस्तों। तो 300 रुपये और निकाल लेंगे तो बचेंगे कितने, 1200 रुपये। तो सुबह निकला था 7:15 बजे, और अभी जो टाइम हो रहा है 7:53 हो चुके हैं, और ये टाइम हो रहा है, मतलब आप समझ लीजिए, वैसे तो रोड पे दे दिए मैंने पूरे 12 घंटे, 12 घंटे में लंच भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट 12 घंटे इनफ होते हैं। इससे ज़्यादा आप चलाओगे तो आपका शरीर थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम में करना है, तो 12 घंटे इनफ है दोस्तों। 12 घंटे में आप बस घर से सोच के चलिए कि मुझे 12 घंटे ही चलानी है गाड़ी, 12 घंटे में चाहे कितना ही काम हो, जितना होगा दोस्तों वो आपका नसीब में लिखा होगा तो उतना ही आप लेके जाएंगे। आप कितने ही हाथ पैर मार लीजिए, जितना लिखा होगा उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड कर लेते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल। ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी हेल्प मिलती है मुझे, आगे पहुँचती है वीडियो और भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला ओवर में एक्चुअल में कितना काम है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। तब तक के लिए बाय बाय।